Hello everybody, we'll be continuing with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed introduction to IS 800-2007, bolted connections, a brief introduction, pitch, gauge, edge and end distances, patterns of bolting, types of bolted joints, types of bolts. In that we've covered ordinary bolts. So in this lecture we'll be studying high strength bolts. So let's start. High strength bolts are also known as HSFG bolts. So high strength bolts ko HSFG bolts kyun bola jata hai? HSFG ka full form kya hai? High strength friction grip bolts. So in bolts mein kaisi grip banti hai? Friction grip banti hai. इसीलिए इनको फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स भी बोला जाता है। तो जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं, तो मतलब इनका जो स्टील होगा वो भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग स्टील होगा। तो ये कैसे स्टील से बने होते हैं? हाई स्ट्रेंथ स्टील से बने होते हैं। They are tightened to give high shank tension, hence called high strength friction grip bolts. तो जब आप इनको टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि इस टाइटनिंग से जब आप नट को टर्न कर रहे हैं तो एक टेंशन इंट्रोड्यूस हो जाती है। ये टेंशन फोर्स टी आपको दिखाई दे रही है, ये जो ये टेंशन फोर्स टी है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? प्री लोडेड बोल्ट्स। प्री लोडेड बोल्ट्स मतलब जब आपने उनको जो बोल्ट है उसमें अपने आप में ही पहले से कोई फोर्स एक्ट कर रही है। जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनकी वजह से तो फोर्स आएगी, बट बोल्ट में अपने आप में ही एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हमने यहाँ पे कैसे डिनोट किया है? टी से डिनोट करा है, क्योंकि वो कैसी फोर्स है? टेंशन है। और कहाँ एग्जिस्ट करती है? शैंक में एग्जिस्ट करती है। सो प्री लोडेड बोल्ट्स भी कहा जाता है इनको। अब जो जॉइंट है जो HSFG बोल्ट्स फॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है नो स्लिप कनेक्शन, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन या फिर फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। तो ये वर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि वी हैव टू क्रिएट अ नो स्लिप कनेक्शन, और आपको नहीं बताएगा कि किस टाइप का बोल्ट यूज करना है। तो आपको अपने आप से पता होना चाहिए कि उस केस में आप कौन सा बोल्ट यूज करेंगे, HSFG बोल्ट यूज करेंगे। वैसे ही स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन या फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन के केस में भी आप कौन से बोल्ट यूज करेंगे? HSFG। ये सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब इनका मतलब अल्टीमेटली सेम ही रहता है। नो स्लिप कनेक्शन क्यों बोला जाता है? अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो बोल्ट होल होता है उसका साइज स्लाइटली बड़ा होता है हमारे बोल्ट से। तो जो बोल्ट है बोल्ट के डायमीटर से, तो आपको साइड पे हमने क्या दी होगी? क्लियरेंस दी होगी एज पर टेबल 19 ऑफ IS 800 2007। तो ये जो हमने क्लियरेंस दी है साइड में, ये क्लियरेंस यहाँ पे कुछ स्पेस है। अब क्या होता है जब बोल्ट पे लोड एक्ट करता है, अगर मैं ये बोल्ट बना दूं, जब बोल्ट पे लोड एक्ट करता है और जब बेयरिंग टाइप का कनेक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे कनेक्शन है? बेयरिंग टाइप का कनेक्शन है। बेयरिंग टाइप का कनेक्शन मतलब ऑर्डिनरी बोल्ट्स। अगर आपको याद होगा तो ऑर्डिनरी बोल्ट्स या ब्लैक बोल्ट्स शेयर और बेयरिंग से हम रेजिस्टेंस देते थे जो भी फोर्स आती थी। तो हमने क्या किया होता है ऑर्डिनरी बोल्ट्स में, हमने टेबल 19 की हेल्प से, हमें पता है हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। इस क्लियरेंस को मैंने ग्रीन से शेड किया है। अब ये जो ये क्लियरेंस है, जब फोर्स एक्ट कर रही है तो ये बोल्ट क्या कर जाएगा? अभी बेयरिंग नहीं हो सकती। बेयरिंग अगर आपको याद होगा तो उसमें हमें कॉन्टैक्ट एरिया चाहिए, और बेयरिंग कब बेयरिंग अगर एग्जिस्ट करेगी तो ही शेयर एग्जिस्ट करेगा। तो कॉन्टैक्ट एरिया तो अभी हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कुछ क्लियरेंस अवेलेबल है। तो फोर्स को, ऑर्डिनरी बोल्ट्स को, इस फोर्स को, पी फोर्स को रिजिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्लिप करना पड़ता है। स्लिप करने का मतलब है कि ये फोर्स या तो ये बोल्ट या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सच दैट ये किसी एक प्लेट के साथ क्या आ जाए? कॉन्टैक्ट में आ जाए। जैसे ही ये प्लेट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्रिएट हो जाता है। कॉन्टैक्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा तभी क्या क्रिएट होगी? बेयरिंग फोर्स क्रिएट होगी। उसी के बाद क्या क्रिएट होगी? शेयर फोर्स क्रिएट होगी। और उस शेयर फोर्स और बेयरिंग फोर्स की हेल्प से
ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे इस ऑर्डिनरी बोल्ट को रेजिस्टेंस देने का? सबसे पहला स्टेप था स्लिप होना. जब ये बोल्ट स्लिप कर जाएगा अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस और कांटेक्ट में आ जाएगा इन प्लेट्स के साथ, ताकि कांटेक्ट एरिया बने, बेयरिंग बने, और बेयरिंग की हेल्प से फिर क्या आ जाए, शेयर आ जाए, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसको हम रिजिस्ट कर सके. तो ये मैकेनिज्म होता है ऑर्डिनरी बोल्ट्स का, और इनको बोला जाता है बेयरिंग टाइप बोल्ट्स, जहाँ पे स्लिप होना मैंडेटरी है, जरूरी है. स्लिप के बिना आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड, ये जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स होते हैं, इसमें ऐसा कोई स्लिप अकर नहीं करता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए. ये रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन से. तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट. जैसे यहाँ पे बेयरिंग से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, तो बेयरिंग टाइप कनेक्शन बोला जा रहा है. अगर ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम कहीं बोलें कि बेयरिंग टाइप कनेक्शन है, तो आपने अपने आप समझ जाना है कि कौन से बोल्ट्स हम यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट्स. और वैसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस है, तो कैसा कनेक्शन है, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन. अब फ्रिक्शन में क्या होता है कि ये जो ये इंटरफेस है आपके मेंबर, जो ये प्लेट्स हैं ब्लू में और कवर प्लेट्स इन येलो, तो इनके बीच में यहाँ पे एक इंटरफेस है. इंटरफेस है और फोर्स लग रही है, अगर आप देखें टी फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस तरीके से, इधर भी एक्ट कर रही है और इधर भी एक्ट कर रही है. अब ये टी क्या करेगी, ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इंटरफेस पे. कैसा? फ्रिक्शन से हमें पता है कितना रेजिस्टेंस मिलता है, म्यू टाइम्स जो भी फोर्स है. तो म्यू टाइम्स टी, टी फोर्स हमने लगाई है, तो म्यू टाइम्स टी फोर्स एक्ट कर रही है. तो ये फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगी, ये फ्रिक्शन यहाँ पे इंटरफेस पे एक्ट करेगी. ठीक है, अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना ही आप एक तरीके से क्या हो जाएगा, टास्क हो जाएगा. टी क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये एक्ट कर रही है टी, तो ये अपने आप में टास्क हो जाएगा. जब तक ये फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होती, तब तक ये बोल्ट स्लिप नहीं करेगा. ये हमारा फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मूवमेंट के लिए, मूवमेंट अगर करनी है, तो जो फोर्स है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी होनी चाहिए. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम फ्रिक्शन को इतना ज्यादा कर दे रहे हैं कि आपका जो मूवमेंट है वही पॉसिबल ना हो पाए. तो मूवमेंट कब हो पाएगी, जब फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन. और अगर आप फ्रिक्शन को ही बहुत बड़ा कर दोगे तो मूवमेंट नहीं होगी. इसीलिए इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है, नो स्लिप कनेक्शन. सो ये इम्पोर्टेंट है जब आप हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स की बात करते हैं. तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोड को, वो कैसे प्रोवाइड करता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. सो लेट्स मूव ऑन. HSFG बोल्ट्स आर यूज्ड. अब ये क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ के बोल्ट्स है, इसलिए इनको कहाँ यूज करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज करेंगे, ब्रिजेस में यूज करेंगे, मशीन्स में यूज करेंगे. आप देख सकते हैं कि ये हम वहां वहां यूज करें जहाँ पे वाइब्रेशन, फटीग और इम्पैक्ट का चांस हो, क्योंकि ऑर्डिनरी बोल्ट्स वहां पे नहीं यूज हो पाते थे. और एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड क्लियरेंस यूज करते हैं. बाकी में हम कब देख रहे थे, लॉन्ग स्लॉटेड है, शॉर्ट स्लॉटेड है ऑर्डिनरी बोल्ट्स के केस में, पर हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स के केस में हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल्स यूज करेंगे. नेक्स्ट आते हैं स्टील वॉशर्स. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मार्क किया हुआ है स्टील वॉशर्स. तो इस केस में हम स्टील वॉशर्स हमेशा ही यूज करेंगे. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको, तो ये स्टील वॉशर्स हम यूज करेंगे. क्यों? दो रीजन है. एक तो जो स्टील वॉशर्स का नॉर्मल रीजन होता है कि ये जो क्लैंपिंग प्रेशर, आप देख सकते हैं फिगर में कि क्लैंपिंग प्रेशर कितना है, टी, फोर्स टी है. अगर आप एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्लैंपिंग प्रेशर जो है वो क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके. और दूसरा है प्रिवेंट बोल्ट फ्रॉम बेयरिंग ऑन द कनेक्टिंग पार्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेयरिंग ऑन द कनेक्टिंग पार्ट्स. बेयरिंग कब होगी, जब स्लिप होगा. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेयरिंग को प्रिवेंट कर रहा है. तो इनडायरेक्टली ये क्या प्रिवेंट कर रहा है,
स्लिप होने से प्रिवेंट कर रहा है ताकि ये कांटेक्ट में ना आए. सो ये है स्टील वॉशर्स का काम. इसलिए HSFG बोर्ड्स में हमेशा क्या लगाएंगे, हम स्टील वॉशर्स लगाएंगे. एक तो वो प्रेशर, क्लैंपिंग प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बेयरिंग होने से या स्लिप होने से प्रिवेंट करता है. अब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स में बी टाइटन्ड अंटिल दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेसेस, जो हम यहाँ देख सकते हैं टी की फॉर्म में. तो आप उनको कब तक टाइट करते रहोगे, जब तक उसमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं प्रोड्यूस हो जाते. और जैसे हमने बात करी, इसी वजह से, क्योंकि हम टाइटनिंग की वजह से इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टेंशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अपने आप बोल्ट में ही एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, इनको प्री लोडेड बोल्ट्स. सिंस द कनेक्टेड मेंबर्स आर क्लैम्प्ड टाइटली, ट्रांसफर बिटवीन बोल्ट हेड एंड नट, द लोड टाइटली बिटवीन द बोल्ट हेड एंड नट, द लोड इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन एंड नॉट बाय शेयर, हेंस दे आर कॉल्ड फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स. ये हम देख चुके हैं कि अगर आप क्लैंपिंग कर देते हैं टाइटली किसके बीच में, बोल्ट हेड और नट के बीच में, मतलब इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ ये पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में, अगर आपने टाइटली इसको फिक्स कर दिया है तो मतलब टेंशन प्रोड्यूस हो गई है. टेंशन प्रोड्यूस हो गई है तो ट्रांसफर कैसे होगी फोर्स, ये जो फोर्स है ये कैसे ट्रांसफर की जाएगी, फ्रिक्शन की हेल्प से ट्रांसफर करी जाएगी. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स, तभी FG हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द इंटरफेस फॉर्म्ड बिटवीन द लोड कैरिंग एलिमेंट्स एंड कवर प्लेट. तो फ्रिक्शन कहाँ पे अकर करती है, फ्रिक्शन ये इंटरफेस पे अकर करती है, लोड कैरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, जो प्लेट्स हैं और कवर प्लेट्स के बीच में. तो ये जो ये इंटरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन अकर करेगी, और इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवरकम करने तक आपका जो बोल्ट है वो स्लिप नहीं होगा, और इसलिए इसको नो स्लिप बोल्ट भी बोला जाता है, और आप लोड को क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे. अब आता है इन हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स द स्लिप इन द बोल्ट विल नॉट अकर इमीडिएटली. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि हम बोल रहे हैं कि स्लिप नहीं होगी, पर वो कह रहा है कि स्लिप जो है वो एकदम से नहीं होगी, जैसे कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स में. ऑर्डिनरी बोल्ट्स में तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपने लोडिंग करी वैसे ही वो बोल्ट क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा. पर यहाँ पे इमीडिएटली नहीं होगी, बट एट अ लोड विच विल ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द प्री टेंशनड या प्री टेंशनिंग ऑफ द बोल्ट्स. तो क्या बोल रहा है कि स्लिप कब होगी, स्लिप तब होगी जैसे मैंने लिखा था पहले कि फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से बड़ी होगी तभी मूवमेंट अकर करेगी. तो वो कह रहा है कि इमीडिएटली तो नहीं करेगी, पर कब करेगी, जब जो लोड है, जो ये फोर्स है ये ओवरकम कर लेगी. ओवरकम कर लेगी मतलब बड़ी हो जाएगी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, और ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, म्यू टाइम्स टी. टी क्या है, जो आपने टेंशनिंग प्रोवाइड करी है. तो ये जो प्री टेंशनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो रही है वो अगर आप ओवरकम कर लेता है आपका लोड, तो ही मूवमेंट अकर करेगी. आफ्टर, अगर एक बारी स्लिप अकर कर गई, मान लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उसके बाद जो है आपका बोल्ट कैसा बिहेव करेगा, ऑर्डिनरी बोल्ट की तरह बिहेव करेगा. मतलब इस कंडीशन के बाद जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसे होगी, बेयरिंग से होगी और शेयर से होगी. उसके पहले तो हम बोल रहे थे कि कैसे होगी रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन से होगी. अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स में, वो किससे हो रही है, फ्रिक्शन से ही हो रही है, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट होगा लास्ट में जो हम बेयरिंग से प्रोवाइड करेंगे. क्लियर. तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ HSFG बोल्ट्स. यहाँ पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी. HSFG बोल्ट्स दो टाइप के होते हैं, पैरेलल शैंक और वेस्टेड शैंक टाइप. तो पहले पैरेलल शैंक को डिस्कस करते हैं. पैरेलल शैंक यहाँ पे आपको फिगर में शो किया है,
ये कैसा है। अब यहाँ पे हम और स्पेसिफिक हो रहे हैं कि कौन से लोड पे, जो ये बात हमने यहाँ करी थी कि कुछ हद तक नो स्लिप रहेगा और उसके बाद कैसा हो जाएगा, स्लिप के बाद ऑर्डिनरी बोल्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन है पैरेलल शाइन बोल्ट में। तो बोलता है नो स्लिप एट सर्विस लोड्स, जब तक आपका लोड जो है वो सर्विस लोड के अंदर है, सर्विस लोड है, तब तक तो उसमें स्लिप नहीं होगी। मतलब तब तक रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है सर्विस लोड्स तक। ठीक है, तो इसको एक क्लॉज में हमें बोल रखा है, व्हेन स्लिप बिटवीन बोल्टेड प्लेट्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट वर्किंग लोड्स। ये हमें कैसे पता चला सर्विस लोड्स, कि वर्किंग लोड्स तक ही आपको क्या करना है, स्लिप को रेजिस्ट करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ 10.4.3 शैल बी सैटिस्फाइड हाउएवर एट अल्टीमेट लोड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 10.4.4 शैल बी सैटिस्फाइड बाय ऑल कनेक्शंस। मतलब कि जो आप कनेक्शन डिजाइन कर रहे हैं पैरेलल शैंक बोल्ट से, वो जब तक तो वर्किंग लोड या सर्विस लोड से कम है लोड आपका, तब तक तो आप क्या करोगे उसको 10.4.3 मतलब फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की तरह डिजाइन करोगे, पर जैसे ही वर्किंग लोड से बढ़ जाता है आपका लोड तो आप किसी और क्लॉज पे चले जाओगे। सो वो देखेंगे। अब बोलता है कि जो स्लिप है पैरेलल शैंक बोल्ट्स में अकर करती है, पर कब करती है, सर्विस लोड से हायर लोड पे, तो सर्विस लोड से हायर लोड पे स्लिप अकर कर जाएगी। नेक्स्ट है एट अल्टीमेट लोड्स दे स्लिप इनटू बेयरिंग, और अल्टीमेट लोड तो जब हम ऑलमोस्ट फेलियर को अप्रोच कर गए हैं तो फिर ये बोल्ट भी कैसा बिहेव करने लग जाता है, बेयरिंग टाइप कनेक्शन की तरह बिहेव करने लग जाता है। मतलब अब ये भी बेयरिंग और शेयर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जब आप पैरेलल शैंक बोल्ट यूज करते हैं तो हमें इनको दो चीजों के लिए चेक करना होता है। कौन सी दो? पहले तो आप सर्विस लोड में इनको चेक करोगे फ्रिक्शन ग्रिप के लिए, और फिर अल्टीमेट लोड्स पे आप इनको चेक करोगे बेयरिंग के लिए। तो आपको इनको दोनों के लिए चेक लगाना पड़ेगा, नो स्लिप के लिए भी चेक लगाना पड़ेगा और बेयरिंग के लिए भी चेक लगाना पड़ेगा। सिर्फ लोड डिफरेंट होगा, नो स्लिप पे सर्विस लोड है और बेयरिंग पे अल्टीमेट लोड है। अभी क्लॉज 10.4.4 हमें ये एक्चुअल में बताता है, देखिए कैपेसिटी आफ्टर स्लिपिंग। तो ये फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स में ही उसने क्या हेडिंग दी है, कैपेसिटी आफ्टर स्लिपिंग। तो वो बोलता है when friction type bolts are designed not to slip only under service loads the design capacity at ultimate load may be calculated as per bearing type connection। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़े, वो कह रहा है जब फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स को आप डिजाइन कर रहे हैं सर्विस लोड्स के लिए तो कैसे कंडीशन के लिए करेंगे, स्लिप नहीं करे वो, कहाँ तक, सर्विस लोड्स तक। पर द डिजाइन कैपेसिटी एट अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड के केस में आपको उसको कैसे चेक करना होगा, बेयरिंग टाइप कनेक्शन की तरह चेक करना होगा। और बेयरिंग टाइप कनेक्शन का डिजाइन किस में डिफाइंड है, क्लॉज 10.3.2 एंड क्लॉज 10.3.3 में। तो ये सारी बात होगी पैरेलल शैंक बोल्ट्स की। और ये ध्यान रखें कि हमारा जो IS कोड है वो सिर्फ पैरेलल शैंक बोल्ट्स ही रेकमेंड करता है। IS 800 2007 पैरेलल शैंक बोल्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है, जैसे हमने इन दो क्लॉजेस में देखा। अब आते हैं वेस्टेड शैंक पे। वेस्टेड शैंक पे वो बोलता है कि स्लिप तो नहीं होगी, चाहे अल्टीमेट लोड पे ही आप पहुंच जाए तो भी क्या होगा, स्लिप नहीं होगी। तो एक मेजर डिफरेंस पैरेलल शैंक और वेस्टेड शैंक में क्या है कि वेस्टेड शैंक में तो स्लिप होनी ही नहीं है अल्टीमेट लोड्स पे भी। Therefore, no need to check them for bearing. अब इसमें क्या है, आपका एक स्टेप खत्म हो गया, आपको बेयरिंग के लिए चेक करने की जरूरत है ही नहीं। द शैंक डायामीटर इज लेस देन 0.9 टाइम्स द रूट डायामीटर ऑफ थ्रेड्स। इन इन बोल्ट्स में जो शैंक डायामीटर होता है वो 0.9 टाइम्स लेस होता है जो डायामीटर होता है थ्रेड्स का एट द रूट। Used when bolts are subjected to cyclic bending. ये bolts हम कब use करते हैं, जब cyclic bending हो रही होती है bolts की अपने आप में ही। और ये obviously किस में result करेंगे, less fatigue में result करेंगे, क्योंकि इनमें कभी भी slip नहीं हो रहा है, bearing की option ही नहीं है, इसलिए ये fatigue नहीं आता है जो ordinary bolts की problem रहती थी।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईएस 800 2007 डज नॉट कंसिडर दीज बोल्ट्स. आईएस 800 2007 जो है वो वेस्टेड शैंक बोल्ट्स की बात नहीं करता है. वो किन की बात करता है? सिर्फ पैरेलल शैंक बोल्ट्स की बात करता है जब HSFG बोल्ट्स की बात कर रहा है. इसलिए जब हम डिजाइन करेंगे एज पर कोड तो हम नो स्लिप के लिए डिजाइन करेंगे एट सर्विस लोड और बेयरिंग के लिए एट अल्टीमेट लोड्स. सो HSFG बोल्ट्स आर अवेलेबल इन डायमीटर्स फ्रॉम 16 mm टू 36 mm. इन डायमीटर्स में अवेलेबल है. कैसे डेजिग्नेट करते हैं? M16, M20, M24, M30 एम लगा देना है आपने डायमीटर के पहले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डेजिग्नेशन हो जाएगा. अब HSFG बोल्ट्स जो है वो मीडियम कार्बन हीट ट्रीटेड स्टील से बने होते हैं. अगर आपको याद होगा ऑर्डिनरी बोल्ट्स का, तो ऑर्डिनरी बोल्ट्स जो थे या ब्लैक बोल्ट्स जो थे वो कैसे बने होते थे? लो कार्बन से बने होते थे. तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो गया है तभी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे मीडियम कार्बन हीट ट्रीटेड स्टील से बना होता है. इसकी प्रॉपर्टी क्लास या फिर आप सिंपली ग्रेड क्या बोल सकते हैं, 8.8S टू 10.9S. तो इनका ग्रेड कहाँ से कहाँ तक है? 8.8S टू 10.9S. और ये कौन दे रहा है हमें? IS 3757 1985 या फिर IS 4000 1992 हमें बता रहा है. अब हमने ऑर्डिनरी बोल्ट्स में 8.8 तो देखा था, बट यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या वर्ड लगा दिया है? S लगा दिया है. S क्यों लगाया गया है? S स्टैंड्स फॉर हाई स्ट्रेंथ. तो अगर आपको आप सिंपली लिखते हैं 8.8 क्लास बोल्ट्स, तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप ऑर्डिनरी बोल्ट की बात कर रहे हैं कि आप HSFG बोल्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बोल्ट्स क्या, दोनों ग्रेड्स जो है वो दोनों बोल्ट्स में अवेलेबल होते हैं. तो उसको क्लियर करने के लिए जब आप ऑर्डिनरी बोल्ट की बात करेंगे तो आप सिर्फ 8.8 लिखेंगे, और जब आप HSFG की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 8.8S, ताकि S स्टैंड्स फॉर हाई स्ट्रेंथ और आप डिस्टिंग्विश कर सके. सो कॉमनली यूज्ड कौन कौन से साइजेस हैं? 8.8 और 10.9S. अब ये जो 8.8 ग्रेड है, मतलब या 8.8S लिखूं मैं इसको, तो ये मीडियम कार्बन स्टील से बना है और इसकी डक्टिलिटी कम है. जो 10.9S स्टील है, ग्रेड है, वो हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना है और उसकी डक्टिलिटी और भी कम है. तो ये तो हमें पता है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे डक्टिलिटी क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है. तो ये हमें फर्स्ट लेक्चर से पता है. नेक्स्ट है, एडवांटेजेस क्या है? एक तो रिजिड जॉइंट देगा, क्योंकि स्लिप नहीं हो रही है तो जॉइंट कैसा है? रिजिड है. हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड, हेंस हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ज्यादा, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ भी क्या है? जॉइंट की ज्यादा है. लोड इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन ओनली. अब ये हम क्लॉज कहाँ तक यूज कर सकते हैं? अप टू सर्विस लोड्स, क्योंकि हम कौन से लोड्स बोल्ट्स यूज करेंगे? सिर्फ पैरेलल शैंक बोल्ट्स यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अप टू सर्विस लोड्स ओनली. तो रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी? फ्रिक्शन से मिलेगी, बेयरिंग और शेयर से नहीं मिलेगी. और इससे क्या होता है, हम बेयरिंग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि बेयरिंग नहीं हो रही है, बेयरिंग नहीं हो रही है? क्योंकि जो फेलियर, जब हम फेलियर मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बेयरिंग अपने आप में ही एक फेलियर मैकेनिज्म भी है. तो इसीलिए हम बेयरिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बेयरिंग से क्या होगा? प्लेट का फेलियर हो जाएगा. परफॉर्म्स बेटर अंडर फटीग. अब ये हमें पता है कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स जो है वो फटीग में अच्छा काम नहीं करते थे, पर ये अच्छा काम करता है. द टेंशन इन बोल्ट्स आर यूनिफॉर्म. टेंशन इन बोल्ट्स आर यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कि जब आप बोल्ट्स को अरेंज कर रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि सारे बोल्ट्स, चाहे वो 9 बोल्ट्स हैं, 6 बोल्ट्स हैं, सारे के सारे बोल्ट्स जो हैं वो इक्वली टेंशन है, उनमें जो लोडिंग है वो इक्वल है. ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. जो
सामने के बोल्ट्स होते हैं इनमें ज्यादा टेंशन होती है, जो पीछे के बोल्ट्स होते हैं उनमें कम होती है. बट हम क्या अज्यूम करते हैं कि द टेंशन इन बोल्ट्स आर यूनिफॉर्म. प्री टेंशनिंग प्रिवेंट्स लूजनिंग ऑफ नट्स. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स और बोल्टिंग के इन जनरल डिसएडवांटेजेस में हमने देखा था कि उनको बार बार टाइटन करना पड़ता है नट्स को. तो यहाँ पे क्योंकि आपका बोल्ट प्री टेंशन है, आपको टाइटनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नट्स लूज ही कम होंगे. कोई नॉइज नहीं है जैसे रिवेट्स में होती है, इजीली आप खोल के दोबारा लगा सकते हैं. और कम बोल्ट्स रिक्वायर्ड है क्योंकि बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या है, हाई है. तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स है इसलिए नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड भी क्या हो जाएंगे, सॉरी स्ट्रेंथ हाई है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. नंबर ऑफ बोल्ट्स तो वो कम हो जाएंगे. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, मटेरियल की कॉस्ट. क्योंकि हाई कार्बन स्टील यूज कर रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है ऑर्डिनरी बोल्ट से. और स्पेशल वर्कमैनशिप चाहिए क्योंकि आपने इनको टाइटन भी करना है, आपने प्री टेंशनिंग देनी है, तो उस केस में आपको स्पेशल वर्कमैनशिप चाहिए. तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं. इस लेक्चर में हमने हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स के बारे में देखा, बेयरिंग टाइप कनेक्शन भी समझा, नो और नो स्लिप कनेक्शन भी समझा. सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.